मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि छठ पूजा कब है। जी हाँ फ्रेंड्स, हल छठ व्रत 2021 कब है और इसका शुभ मुहूर्त और सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। हल छठ व्रत, जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस हल षष्ठी या बलराम जयंती को अलग अलग नामों से मनाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे हल षष्ठी, पिन्नी छठ या खमर छठ भी कहते हैं। साल 2021 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 28 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, पारंपरिक हिंदू पंचांग में हल षष्ठी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है। जी हाँ फ्रेंड्स, भगवान बलराम माता देवकी और वासुदेव जी के सातवें संतान थे। हल षष्ठी का त्यौहार भगवान बलराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मूसम बलराम जी का मुख्य शस्त्र है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस पर्व का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। हल छठ उप छठ भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रक्षाबंधन और स्वर्ण पूर्णिमा के 6 दिनों के बाद बलराम जयंती मनाई जाती है। हल छठ व्रत 2021 का शुभ मुहूर्त आपको बता देते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 27 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को शाम 6:50 पर लगेगी। यह तिथि अगले दिन यानी 28 अगस्त को रात्रि 8:55 तक रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, हल षष्ठी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं व कन्याओं को महुआ की दातुन और महुआ खाने का विधान है। इस व्रत में हल से जोते हुए बागों या खेतों के फल और अन्न खाना व्रजित माना गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस दिन दूध, घी, मेवे, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हल छठ पूजा व्रत विधि। हल छठ व्रत में हल से जुटी हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस व्रत में वही चीजें खाई जाती हैं जो तालाब या मैदान में पैदा होती हैं, जैसे तिन्नी का चावल, कैरमा का साग, पसई के चावल खाकर आदि। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल छठ व्रत में भैंस का दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाते हैं, जिसके बाद गणेश और माता गौरा की पूजा करते हैं। महिलाएं घर में ही तालाब बनाकर उसमें जरबेरी, पलाश और कांसी के पेड़ लगाती हैं और वहां पर बैठकर पूजा अर्चना करती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और हल षष्ठी की कथा सुनाती है, इसके बाद प्रणाम करके पूजा समाप्त करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।